मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को नमस्कार। आज हम संचयन भाग दो से जो है दूसरा अध्याय, जिसका नाम है सपनों के से दिन, गुरदयाल सिंह द्वारा रचित। यह पंजाबी भी जो लेखक हैं, इनको साहित्य अकादमी मिला है, पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलिए, इनकी जो आगे बढ़ने से पहले जो है, यह बचपन में यानी स्कूली दिवस में जो खेलना और तालाब में जो रेत शरीर को लगाकर तालाब में कूदना, इनसे जो है देखकर माता हो या बहन हो पीटना, और पिताजी जो हैं खून आने तक इनको पीटते थे, उसी प्रकार जो है जब शिक्षा के बारे में उतना महत्व नहीं था, जो बच्चे जाते थे वह सीखते थे, बाकी के सब जो है खेल खोद में ज़्यादा समय बिताते थे। तो बाद में जो है वहाँ के बड़े बड़े रईस के हो या चापरा रईस के हो या फॉर्चूनर हो या बड़े बड़े ठेकेदार हो, वो भी स्कूल को भेजना उतना महत्व नहीं समझते थे। और स्कूल छुट्टियों के दिन में जो है यह अपने नानी के घर यानी ननिहाल जाया करते थे। वहाँ पर खूब मज़े खाना पीना खाते थे। उसके बाद जो है इनका एक मित्र था, उसका नाम था उमा। एक भयंकर सिर था उसका और उससे ही वह लड़ाई करता था। तो इसी बीच जो है स्कूल का वर्णन किया गया। स्कूल में जो है प्रार्थना समय में हेडमास्टर आगे खड़े रहते थे, बाकी के सब जो है इनके पीछे खड़े रहते थे, टीचर्स यानी अध्यापक। तो इसी बीच वहाँ पर एक अध्यापक हैं, पीटी मास्टर, आप यहाँ पर देख सकते हैं, वह है जो प्रीतम चंद। वह बहुत ही सख्त और गुस्सैल और अनुशासन को ज़्यादा मानने वाले थे। तो वे जो भी लड़का जो है लाइन में खड़ा रहना है, स्टूडेंट हो या कोई भी हरकत करता है, तो उसे डांटते थे, मारते थे, बाघ की तरह झपट पड़ते थे। इस तरह आप देख सकते हैं। उसके बाद पीटी मास्टर को इतना होते हुए भी वो स्काउट गाइड के समय जो है उनका बर्ताव देखकर, जब अच्छा करते थे तो विद्यार्थी हो या लेखक हो उनको शाबाशी मिलती। यह जो किताब पर्चियां या नोटबुक चेक करने के बाद गुड मिलता था, उससे भी जो है अध्यापक से भी जो है इनको इनकी शाबाशी लेना बहुत ही उससे भी ज़्यादा जो है एक मेडल जैसे लगता था, तमगा कहते हैं, तमगे जैसा या मेडल जैसा लगता उनको। और पुरिया इसी बीच जो है इनका आर्थिक स्थिति उतना अच्छा नहीं था, तो उसी बीच जो है उनकी जो पुस्तकें जो है, जब हेडमास्टर जो हैं अमीर घर के जाकर वहाँ पर लड़के को पढ़ाते थे, तो वह इस लेखक से भी जो है एक दर्जा आगे था। जो हेडमास्टर उनसे पुराने वाली किताब लेकर आकर जो है इन्हें दिया करते थे, और पेंसिल हो, होल्डर हो, ये सभी लेना पड़ता था। इसी बीच जो है वहाँ पर जो अंग्रेज का शासन होने के कारण अंग्रेज जो है नए सैनिक के भर्ती समय उनको आकर्षित करने के लिए, देखिए भारतीय सेना में जो है भारतीय लोग भी थे, तो उसी बीच जो है इनको आकर्षित करने के लिए गाना गाते थे, भर्ती हो जा रहे रंगरूट। रंगरूट का अर्थ होता है नया सैनिक, तुझे शूज मिलेगा, तुझे सूट मिलेगा, ऐसे कहते हुए ये सुनकर जो है उनकी जो अच्छे अच्छे गुणगान करने से जो है लेखक को कभी कभी लगता कि मैं भी फौज में भर्ती हो जाऊं। तो इसी बीच जो है यहाँ पर आगे चलते चलते मास्टर प्रीतम चंद, जो स्कूल के शिष्टाचार माने जाने वाले और गुस्सेल यानी जो भी नियम तोड़ता उसे मारपीट करने वाले, तो वह कभी हंसते हुए लेखक ने नहीं देखा है। और उनका जो वर्णन है
यहाँ पर मिलता है कि वह खाकी वर्दी पहन कर आते हैं और सूट बूट, जैसे बूट हो, खाकी वर्दी हो पहनते हैं, और कभी हंसते हुए उनको नहीं देखा है। ऐसे यहाँ तक जो है वर्णन हो गया था। चलिए प्रीतम मास्टर, जो मास्टर प्रीतम है, प्रीतम चंद हैं, उनके बारे में, जो वर्दी के बारे में बताया, तो आगे किस तरह जो लेखक बताते हैं उसे अब हम देखेंगे। मास्टर प्रीतम चंद से हमारा डरना तो स्वाभाविक था, परंतु हम उनसे नफरत भी करते थे, नफरत भी करते थे। देखिए, उनसे नफरत करते थे क्योंकि वो मारपीट करते थे जो भी अनुशासन तोड़ता है। कारण तो उसका मारपीट था। हम सभी को जो मेरे उम्र के हैं, वह दिन नहीं भूल पाया जिस दिन वह हमें चौथी श्रेणी में पारसी पढ़ाने लगे थे। देखिए, केवल वो पीटी मास्टर ही नहीं थे, उनको पारसी भी पढ़ा रहे थे। हमें उर्दू का तो तीसरी श्रेणी तक अच्छा अभ्यास हो गया था, परंतु पारसी तो अंग्रेजी से भी मुश्किल थी। अभी हमें पढ़ते एक सप्ताह भी न हुआ होगा। तो देखिए, उतना उसमें ये पंडित नहीं थे, बहुत कम सीख पाए थे, कि प्रीतम चंद ने हमें एक शब्द रूप याद करने को कहा और आदेश दिया कि कल इसी घंटी में जबानी सुनेंगे। तो उन्होंने शब्द दिया, उस शब्द को जबानी सुनना यानी बाहर सुनने की बात जो है कल उन्होंने बताया था। हम सभी घर लौटकर रात देर तक उसी शब्द रूप को बार बार याद करते रहे, परंतु केवल दो तीन ही लड़के थे जिन्हें आदि या कुछ अधिक शब्द रूप याद हो पाए। सभी लड़के जो है बाहट करने पर भी जो है याद नहीं कर पाए, दो तीन लड़के। दूसरे दिन बारी बारी सबको सुनाने के लिए कहा तो एक भी लड़का न सुना पाया। देखिए, उतना कठिन था। तो तभी मास्टर जी गुर्राए, सभी कान पकड़ो। तो गुर्राए यानी इसका अर्थ है गुस्सा हो गए, और सभी को कान पकड़ने के लिए उन्होंने जो है आदेश दिया। हमने सुनकर टांगों के पीछे से बाहें निकालकर कान पकड़े तो वह गुस्से से चीखे, पीठ ऊंची करो। तो देखो, मुर्गा जैसे वह जो है अपने टांगों में से जो उंगली कान पकड़ना होता है, तो उस समय जो है पीठ को ऊपर करना होता है। तो कोई बच्चे नहीं कर, विद्यार्थी नहीं किए हैं, तो अध्यापक कहता कि चीखते हुए गुस्से में पीठ ऊंची करो, ऐसे कहता था। पीठ ऊंची करने के कान पकड़ने से 3-4 मिनट में ही टांगों में जलन होने लगती है। वह अनुभव अपना बता रहे हैं, जलन होने लगती है। मेरे जैसे कमज़ोर तो टांगों के थकने से कान पकड़े हुए ही गिर पड़ते, तो कान पकड़ते ही वो कमज़ोर होने के कारण गिर पड़ते। जब तक मेरी और हर वंश की बारी आई, तब तक हेडमास्टर शर्मा जी अपने दफ्तर में आ चुके थे, दफ्तर यानी ऑफिस में। जब हमें सजा दी जा रही थी, तो उसके कुछ समय पहले शर्मा जी स्कूल की पूरब की ओर बने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर कपलाश से मिलने गए थे। वह दफ्तर के सामने की ओर चले आए। आते ही जो कुछ उन्होंने देखा वह सहन नहीं कर पाए। देखिए, दोनों जो है अपोजिट हैं, जैसे गुस्सेले हैं वह, और हेडमास्टर बहुत ही जो नर्म दिल के हैं। शायद यह पहला अवसर सहन नहीं कर पाए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं जो पीटी मास्टर शक्ति से बरसते हैं, और वह भले ही शिष्टाचार के लिए गुस्सा होते हो, लेकिन उनका भी जो है एक मनुष्य हैं, वह भी प्राणियों को, पक्षियों को प्यार करते हैं, यहाँ पर दर्शाया गया है। तो देखिए, यहाँ पर उत्तेजित हो गए, बहुत उत्तेजित हो गए हेडमास्टर। हार्ट, व्हाट आर यू डूइंग, इज इट द वे टू पनिश द स्टूडेंट ऑफ फोर्थ क्लास। तो उन्होंने इंग्लिश में कहा, व्हाट आर यू डूइंग, इज
इज इट द वे टू पनिश द स्टूडेंट ऑफ फोर्थ क्लास, ऐसे कहा उन्होंने, फोर्थ क्लास के बच्चों को ऐसे पनिश करना है, सजा देनी है, ऐसे पूछते हैं। स्टॉप इट एट वंस, यानी अभी स्टॉप कर दो, इसे बंद कर दो। तब हमें तब अंग्रेज़ी नहीं आती थी, क्योंकि उस समय पांचवी श्रेणी से अंग्रेज़ी पढ़ानी शुरू कर दी की जाती थी, परंतु हमारे स्कूल के सातवीं आठवीं श्रेणी के लड़कों ने बताया था कि शर्मा जी ने कहा था, क्या करते हैं, क्या चौथी श्रेणी को सजा देने का यह ढंग है, इसे फौरन बंद कर दो, ऐसे उन्होंने बताया जब सातवीं आठवीं कक्षा को पूछा। तो शर्मा जी गुस्से से कांपते बरामदे से ही अपने दफ्तर में चल गए। तो देखिए, हेडमास्टर इतना कहते हुए भी वो कांपते हुए जो है, गुस्से से कहने पर वो कांप रहे थे, तो वह अपने दफ्तर में चले गए। फिर जब प्रीतम चंद कई दिन स्कूल नहीं आए, तो यह बात सभी मास्टरों की जुबान पर थी कि हेडमास्टर शर्मा जी ने उन्हें मुहत्तल यानी विलंबित, यानी उनको क्या कर दिया है, निकाल दिया है करके अपनी ओर से आदेश निकल कर मंजूर के लिए हमारी रियासत की राजधानी, रियासत देने और रहने की राजधानी नाभा भेज दिया है। वहाँ हरजी लाल नाम के महकमाए तालीम यानी शिक्षा विभाग के डायरेक्टर थे, जिनसे ऐसे आदेश की मंजूर आवश्यक थी। तो देखिए, उन्होंने सब कुछ लिख कर जो हेडमास्टर इनसे जो है निलंबित कर दिया था, और अभी वे स्कूल नहीं आ रहे थे प्रीतम चंद मास्टर जो हैं, क्योंकि हेडमास्टर उनसे जो है, उनको इन बर्ताव की वजह से उन्होंने ऊपर जो है एक लेटर लिखा था। उस दिन के बाद यह पता होते हुए भी कि पीटी प्रीतम चंद को अब तक नाभा से डायरेक्टर बहाल यानी वापस नहीं करेंगे, तब तक वह स्कूल में कदम नहीं रख सकते। जब भी पारसी की घंटी बजती तो हमारी छाती धक धक करती, फटने को आती। तो देखिए, जब भी पारसी का क्लास होता तो उनका याद आ जाता और धड़कन जो है तेज हो जाती, परंतु जब तक शर्मा जी स्वयं या मास्टर नौहरिया राम जी कमरे में पारसी पढ़ाने न आते आ जाते, हमारे चेहरे मुरझाए रहते, क्योंकि उनके जगह पर जो है नौहरिया राम जी जो है पढ़ाते थे, वो जब तक नहीं आते थे तब तक इनके मन में जो है डर लगा रहता, क्योंकि कहीं प्रीतम चंद मास्टर ना आ जाए। ठीक है, तो आगे देखिए, फिर कहीं सप्ताह तक पीटी मास्टर खुल नहीं आए। पता चला कि बाजार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने जो छोटी छोटी खिड़कियों वाला चौबारा किराए पर ले रखा है, चौबारा यानी उसका अर्थ होता है गैलरी, खरीद रखा है, ऐसे सुनने को आया, वही आराम से रह रहे थे। देखिए, वो वहाँ से जब निकाले गए तो वह चौबारा में रहने लगे थे। कुछ सातवीं आठवीं के विद्यार्थी हमें बताया करते थे कि उन्हें मुहत्तल होने की रत्ती भर भी चिंता नहीं है, रत्ती भर यानी तिनका भी जो है उनको चिंता नहीं है निकाल देने की नौकरी से, वो आराम जीवन बिता रहे हैं। पहले की तरह ही आराम से पिंजरे में रखे दो तोतों को दिन में कई बार भिगो कर रखे बादामों की गिरियों का यानी उसका जो ऊपर का छिलका होता है उतार कर उन्हें खिलाते, उनसे बातें करते रहते हैं। तो देखिए, अभी वो पक्षियों को जो आपने यहाँ पर चित्र देखा है, जो है अभी वह आराम से रह रहे हैं और पक्षियों को जो है छिलके निकाल कर बादाम के उनको खिला रहे हैं। उनके तो तोते हमने भी कई बार इसी बीच भिगो कर देते थे, उनके वे तोते हमने भी कई बार देखे थे। हम उन बड़े
लड़कों के साथ उनके चौबारे में गए थे, जो लड़के पीटी साहब के आदेश पर उनके घर का काम करने जाया करते। देखिए पीटी के उनका जो बर्ताव देखकर जो है बच्चे भी जो हैं उनके जो बड़े बच्चे वहाँ पर जाकर काम करते। परंतु हमारे लिए चमत्कार ही था कि जो प्रीतम चंद्र बिल्ला मार मार कर हमारी चमड़ी तक उधेड़ देते थे, वह अपने तोते से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते थे। तो इतने शक्ति बरसने वाले यह मारने वाले डंडे मारने वाले पीटी मास्टर इतने मीठी मीठी बोल कैसे बोल रहे हैं तोते के साथ, उनको आश्चर्य लगा लेखक को और अन्य साथियों को। क्या तोते को उनके दहकती बुरी आँखों से भय नहीं लगता था? तो देखिए उनके जो जब इनको आँख जो है बड़े करके इनको गुस्से से देखते थे तो वह उस तोते को नहीं दिखाई दे रहा है ऐसे कहते हैं। तो हमारी समझ में ऐसी बातें तब तक नहीं आती आ पाती थी, बस एक तरह इन्हें अलौकिक ही मानते थे। तो यह लौकिक यानी अलौकिक यानी जो है जो लोग संसार में नहीं है ऐसे वह जो है मानते थे। इस तरह जो है आज हमने जो सपनों के से दिन जो गुरुदयाल सिंह द्वारा लिखित और वह स्वयं अपने जो स्कूली दिवस के बारे में यहाँ पर जो है स्कूल के बारे में शिक्षा के बारे में छुट्टियों के बारे में और उनके मौज मज़े के दिन जो हैं उसे बताते हुए पढ़ाई के बारे में उसके साथ साथ प्रीतम चंद जो पीटी मास्टर थे उनके स्वभाव के बारे में और उसी के साथ हेडमास्टर जी का भी स्वभाव के बारे में यहाँ पर पूरा जो है विवरण दिया गया है। तो इस तरह आज हमने जो है दूसरा अध्याय को संपूर्ण रूप से जो है पूरा कर लिया। अगले वीडियो में हम इसके संबंधित जो प्रश्नोत्तर पर समग्र चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।